हेल एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू पी डब्ल्यू यू जी सी नेट एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू अर सेशन सो आज के सेशन से हम करने वाले हैं अपनी जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की यू जी सी नेट की तैयारी एंड वी आर गोइंग टू ग्लांस थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ एंशेंट इंडिया फ्राम ट्वेंटी थर्टी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दस साल के क्वेश्चन का रिविजन करने वाले हैं और इसको इंडिविजुअली भी करने वाले हैं क्योंकि जब तक हमारा एग्जामिनेशन शुरू होता है इट इज़ नाउ हाई टाइम टू स्टार्ट क्रिएटिंग अप द बेस सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आई मीन सागरिका अमीन I mean, uh, जो हमारे YouTube क्लासेस हैं जनवरी से YouTube क्लासेस जो अभी चल रहे हैं वो जनवरी में भी चलेंगे एंड दे विल बी अ लिटिल बिट टाइम डिफरेंस मैं आपको टाइम कंफर्म करके बता दूंगी सो so, YouTube टाइमिंग विल बी चेंज एंड उसके अलावा हमारे जो आपके सेशन हैं पेड सेशन के दे विल बी मोस्टली फ्रॉम सिक्स पी एम एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सेशन टाइमिंग्स वो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगी ट्वेंटी नाइन्थ को हमारा ओरिएटेशन है इन दैट दैरिएशन आई विल बी कन्फर्मिंग एवरीवरी थिंग सो डोंट वरी ठीक है वानी गुड मॉर्निंग श्रेया गुड मॉर्निंग नमिता तरन्नुम अंकित तर्श वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सो आई होप अ ब्लास्ट क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म हुआ है वेस्ट बंगाल सेट ओवर सो आई होप फर्स्टली यू गाइस आर रिलैक्सिंग क्योंकि आप सबने एग्जामिनेशन के लिए काफी मेहनत की एंड इट इज इट इज टाइम वेर यू शुड रिलैक्स लिटिल बट क्योंकि रिजुविनेशन बहुत ही जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड गिव योर नेक्स्ट सिक्स मंथ सो आई होप रिलैक्सिंग तो हो रहा है रिजुविनेशन हो रही है बट एट द सेम टाइम हमें

पवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो चलो ठीक है सोनाली इसके बाद एज सुन एज दी एंट्रेंस एक्सामिनेशन कम्स वी विल बी डूइंग दैट बहुत जल्दी टेकिंग सेशन ऑन हाउ टू चूज रिसर्च टॉपिक्स इन ऑल आगे के सेशन में हमने फीड किया है ठीक है

सो so, आपको क्या करना है जब अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं जब तक आंसर कीज नहीं आते हैं I know you all are waiting for your answer keys and as I said you should take one week break थोड़ा relax हो जाओ simultaneously जो set exams है उसकी आप तैयारी करो सबसे पहले क्या करना है for any preparation of any examination is हमें previous year questions का base बनाना है ठीक है और ये आगे के sessions में क्योंकि अब हम थोड़ा सा previous years को integrate करते जाएंगे previous years को कैसे करना है first and foremost like I told you जो answers factual है उसको बस ध्यान देना है कि आपको ये आता है या नहीं आता है if factual क्वेश्चन आर गोइंग रॉन्ग हमें बस उसको याद रखना है सेकेंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मास्टरिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रीवियसर क्वेश्चन ठीक है सो so, कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है हमारा

एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे आगे के सेशन में भी हम प्रीवियस ईयर करेंगे अभी वार्म अप है तो दस साल को हम ऊपर ऊपर करेंगे देन वील गो इन टू इयर्स इन डिटेल ठीक है चलो सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एवरी वन सो यहाँ पे फाइनली हमारा जो पेड बैच है वो शुरू होने वाला है सो फॉर ऑल पीपल जो स्पेशली जून 2024 की तैयारी करने वाले हैं सो दिस इज स्पेशली फॉर यू क्योंकि आपके लिए आया है अर्ली बर्ड ऑफर इस अर्ली बर्ड ऑफर में हम आपको दे रहे हैं हिस्ट्री प्लस पेपर वन एट फोर नाइन 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 ओनली अब इसमें हमें करना क्या है ये सेशन में हम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंशंट प्लस मिडीवल प्लस मॉडर्न प्लस हिस्टोरियोग्राफी प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री इसके साथ हम सेशंस में पीवाईक्यूज क्यूज भी करके खत्म करने वाले मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी डू उसमें हम ये देखेंगे कि वो टॉपिक से क्या क्या पीवाईक्यूज मोस्टली निकल चुके हैं फॉर द पास्ट टेन ईयर वील बी सॉल्विंग दैट थर्ड हाई क्वालिटी स्टडी मटीरियल स्टडी मटीरियल you know, में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है बिकॉज पेपर का ट्रेंड लेवल पैटर्न बढ़ रहा है तो स्टडी प्लान जो है स्टडी मटीरियल थोड़ा हाईली एलिवेटेड होगा articles, जो आपके लिए है, और इस स्टडी प्लान में जैसे ही आपका सिलेबस अपडेशन होगा यहाँ पे भी टॉपिक्स अपडेट हो जाएंगे स्टडी प्लान आपके ऑलरेडी एप में अटैच है तो एक बार स्टडी प्लान को जरूर देख लीजिएगा प्लस विल है डाउट रेजोल्यूशन लाइव क्लास

अब शुरू करते हैं आज का मैराथन सा सेशन जहां पे हम टेन इयर्स के कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं बट याद रखना ये कुछ क्वेश्चंस हैं और हम आगे के सेशंस में और इनको डिटेल में करेंगे चलो So श्रावस्ती मकाली गौशल यूजुअली स्टेड एट दी वर्कशॉप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेडी हलाहल एंड ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी ये पॉटर को बिलोंग करती थी ये को बिलोंग करती थी गोल्डस्मिथ को बिलोंग करती थी या आयरन स्मिथ को बिलोंग करती थी और अगर जिन्होंने अभी रिसेंटली वेस्ट बेंगाल सेट दिया आई थिंक वन थिंग यू रियलाइज डिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो हमेशा रिपीट होते हैं वो वेस्ट बेंगाल सेट में वर्ड टू वर्ड नेट के प्रीवियस ईयर आए हैं आपके वेस्ट बंगाल सेट के प्रीवियस से है तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि जो भी एग्जाम

सो दी करेक्ट आंसर हेयर एज एज मोस्ट ऑफ योर राइट करेक्ट आंसर हेयर इज ए पॉटर्स अब आजीविक्स क्या कहते थे अभी आपको आया था ना वेस्ट बंगाल सेट में कि आजीविक्स के फाउंडर कौन है टेक्निकली फाउंडर नहीं बट यहीं से मोस्टली आजीविक की शुरुआत हुई थी सो so आपको इनका नाम आया था अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में एंड आजीविक्स की बेसिक फिलॉसफी क्या है कैसे ये जेनिज्म और बुद्धिज्म से अलग है एवरी हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम जेनिज्म बुद्धिज्म

टर्म स्त्री धन इज फर्स्ट मेन्शन टेक्स्ट ये भी भी आपको आया है है। अभी में का ब्राह्मण अर्थशास्त्र या हर्षचरिता। हर्ष चरिता फॉलोइंग करेक्ट ये लो ठीक है सो द टर्म स्त्री धन इज फर्स्ट द फॉलोइंग सो शतपथ ब्राह्मण पितक अर्थशास्त्र या हर्षचरिता। स्त्री धन सबसे पहली बार मेंशन किया गया था अब तो टाइमर हो है। है? So खत्म होने वाला है वेस्ट बंगाल सेट दिया कुछ डेजा आ रहा है चलो एंड द करेक्ट आंसर मोस्ट ऑफ यू राइट आफ्टर एवरी टेन क्वेश्चन आई विल टेल यू द रैंक ठीक है सो द करेक्ट आंसर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट वन सेकेंड का मोस्ट ऑफ यूर करेक्ट करेक्ट आंसर हर इसी अर्थशास्त्रा अब जल्दी से देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है हंड्रेड परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है वेरी गुड अब अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है देखो सबसे पहले आप सबको पता है जब भी हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं और हम मॉडर्न पीरियड के सोर्सेस की बात करते एक मेजर सोर्स जो हम मेनली यूज करते हैं इट इज अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट जो ना एक राज्य क्या होता है एक स्टेट क्या होता है यह उसका डेफिनेशन देता है जो आप सबको पता है अर्थशास्त्र हमें कॉन्सेप्ट देता है सप्तांग राज्य एंड व्हाट आर दी सेवन सप्तांग राज्य मतलब कि भाई एक राज्य ये सात रिलेटेड चीजों पे चलता है ठीक है और कई बार आपको ये प्रीवियस ईयर में इसका कॉन्सेप्ट आ चुका है ठीक है उसके बाद अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ पंद्रह किताबें जिसको हम स्पेशली कहते हैं अधिकरण जो पहली पांच किताबें वो इंटरनल प्रशासन से डील करती है इंटरनल प्रशासन ठीक है और जो बाकी आठ इनकी किताबें हैं वो इंटर स्टेट इंटर राज्य रिलेशनशिप से स्पेसिफिकली डील करती है उसके अलावा जो लास्ट टू बुक्स बचे अर्थशास्त्र के वो कुछ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स टॉपिक्स जो है मिसलेनियस रैंडम इनसे स्पेशली ये रिलेट करता है तो ये याद रखना और अगर आप नोटिस करोगे तो जो अर्थशास्त्र का लिखने का तरीका है इट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द वुड बी कॉन करर जिसको हम कहते हैं ना विजीशु कौन है विजीषु कि मान लो अगर आप राजा बनते हो आप दुनिया पे काबू पाते हो आप कौन करर बनते हो तो आप कैसे रूल करोगे और यही पे अर्थशास्त्र स्पेसिफिकली कहता है कि भाई एक देखो राजा ठीक है राजा के बहुत सारे होते हैं, तो क्या होते तो राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए उनकी वेल्थ की उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए प्लस उसके अलावा राजा को उनके वेलफेयर जो आपके प्रॉपर प्रजा हो गए उनके वेलफेयर जैसे आप हॉस्पिटल्स खोलो ठीक है फॉर एग्जाम्पल उनकी फ्री ट्रीटमेंट कराओ उनको फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्लांट कर रहे हो आप कुएँ खोद रहे हो तो अर्थशास्त्र ना वैसे आपको एक पूरी की पूरी कहानी बताता है कि अगर आप राजा बनते हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र जो राजा है वो एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड में नहीं रहते थे उस समय भी जब राजा की बात करते हैं तो उनको भी बहुत थ्रेट थे उनको भी बहुत दुश्मनों का खतरा था कैसे हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका भी खाना चेक होता था उनके जो आसपास के मिनिस्टर्स हैं उन पर भी लॉयल्टी की चेकिंग होती थी तो हर कुछ अर्थशास्त्रा में स्पेसिफिकली डिटेल में लिखा है एंड मोर डिटेल अर्थशास्त्र हमें प्रशासनिक टर्म्स के बारे में देता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मॉरिन एडिक्स में आधी चीजें नहीं लिखी है जो हमें अर्थशास्त्र में मिलती है अर्थशास्त्र टेल्स अस समर्थी जो कि रेवेन्यू कलेक्टर है ठीक है इट टेल्स अस अबाउट समनिधत्री जो कि रॉयल स्टोर के इंचार्ज है जो ट्रेजर है अर्थशास्त्र टेल्स अस अबाउट ऑफिसर्स द्वारिका जो की पैलेस के चीफ अटेंडेंट्स के चीफ हो गए देन अंतरवंशिका जो की पैलेस गार्ड के चीफ हो गए एंड अध्यक्ष जो अलग अलग डिपार्टमेंट

आप देखोगे मॉडर्न पीरियड में जब सोसाइटी के सेवन क्लासेस आप जनरली पढ़ोगे सेवन स्ट्राटा तो जो कल्टीवेटर्स हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं इनका सबसे बड़ा नंबर होता है एंड मैक्सिमम पैसा कहाँ जाता है जो इनके पास आर्मी है जो धम्मा के बाद कोई काम नहीं कर रही है बट स्टिल उन्होंने अपनी आर्मी नहीं हटाई सारे पैसे जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं इतने कुएं खोद रहे हैं लोगों की भलाई कर रही है ये सब में पैसा जा रहा है सो so, अर्थशास्त्र में इरीगेशन के बारे में भी काफी डिटेल रेफरेंस है प्लस अर्थशास्त्र ऑल्सो टेल्स यू अबाउट स्लेवरी है ना कि बहुत अलग अलग तरीके के स्लेब्स थे मॉडर्न पीरियड में जैसे जनरली वेज लेबर कि भाई मैंने आपको पैसा दिया आप मेरे लिए काम कर रहे हो बॉन्डेड लेबर ये सारी चीजों का रेफरेंस अर्थशास्त्र में दिया है अर्थशास्त्र आपको ये भी कहता है कि मान लो अगर आप किसी के दास हो तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे होते हैं तो उनका क्या स्टेटस होगा हर कुछ डिटेल तरीके से इस किताब में लिखा है एक हम पूरा का पूरा सेशन कर सकते हैं अर्थशास्त्र पे जहां पे हम इस किताब को लाइक like, अर्थशास्त्र राजतरंगिनी ऐसे किताबों को वी कैन डू इन मच मोर डिटेल इन फर्दर क्लासेस ठीक है चलो विच ऑफ ये हमें नया इंफॉर्मेशन दे रहा है तीन मौर्यन राजाओं के बारे में ये हमें एविडेंस देता है विष्णु जी की अर्ली वर्शिप के बारे में ये हमें एविडेंस देता है कि भाई देखो कोस्टल ट्रेड चलता था ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अर्थशास्त्र क्वेश्चन अर्थशास्त्र से एक्चुअली हमेशा क्वेश्चन आता है दिस इज वन टेक्स्ट ना जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है सो मे बी इन वन सेशन हम अर्थशास्त्ररा पे पूरा का पूरा सेशन करेंगे जो कुछ होगा वो पढ़ डालेंगे ओके okay? एंड जो लोग ये सब आंसर्स रट लिए हैं प्लीज इसके ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन भी याद कर लेना आंसर रटना इज नॉट इनफ ओके चलो सो द लास्ट फ्यू मिनट्स ओके आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइट तो प्रीवियस से आप भाग नहीं सकते हो आपको कितना भी प्रीवियस आता है प्लीज प्लीज मेक जरूर कर रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज क्लैरिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कनिष्का एंड कैटफिसिस सो लेट्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है एटी सेवन परसेंट नॉट बैड आफ्टर टेन क्वेश्चन में आपको रैंक बताऊंगी ठीक है अब इसके बारे में अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल तरीके से देख लेते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन आप कोई भी नेट सेट दे रहे हो ना अभी आपके आगे के सेट एग्जाम है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो ये ट्वेंटी थ्री लाइन की इंस्क्रिप्शन है जो कि बेक्ट्रियन भाषा और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी गई है ये हमें कनिष्का के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल रेफरेंस बताती क्या बताती है हर कुछ मैंने आपको यहां पे दे दिया है ये कहती है कि देखो भाई कनिष्का ना सब कुछ है एक बहुत बड़े देवता है बहुत ही अच्छे रूलर है राइटियस रूलर उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसे रूलर जिनको आप प्रार्थना कर सकते हो उनकी वर्शिप कर सकते हो उनको राजा का पद दिया है वेस्ट एंशिएंट गॉडेसेस नाना ने इसमें कहा जाता है कि भाई कनिष्का जो है ना वो राजाओं के राजा है और भगवान के बेटे है ठीक है अकॉर्डिंग टू राबता की इंस्क्रिप्शन कनिष्का ने एक ऑफिसर जिनका नाम था शापरा उसको कमांड किया कि भाई आप एक मंदिर बनाइए जहां पे ये जो वेस्ट एंशियन गॉडेस हैं जिनसे मुझे किनशिप मिली है उनकी आप मूर्ति लगाओ प्लस और भी देवी देवताओं की स्पेशली आप मूर्ति लगाइए इसके अलावा किंग ने ये भी बोला था कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड हैं कुजुला कैटफिस और बेसिकली उनके ग्रैंडफादर दैट इज सदक्षिना और उनके पिताजी वीमा कैडफिसिस और कनिष्का अब आपको यह आता है कि कितने लोगों का नाम यहाँ पे जिक्र है तो देखो ये पूरा का पूरा इन्होंने एविडेंस दे दिया कि भाई भगवान के साथ साथ मेरी दादा परदादा हमारी भी इमेजेस उस मंदिर में आप रखो ये इंस्क्रिप्शन स्पेशली कहता है कि बहुत सारे देवी देवताओं को इन्वोक किया गया कि आप कनिष्का की मदद करिए उनकी अच्छी हेल्थ रखिए उनको हमेशा जीत दिलाइए अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमें यह भी कहता है कि कनिष्का के टाइम पीरियड से एक नया एसेशन शुरू हो गया तो ये इंस्क्रिप्शन हमें क्लियरली बताता है कि वीमा कैटफिस एंड कनिष्का ये दोनों फादर एंड सन थे पुत्र और पिता का जो रिलेशनशिप है ये स्पेशली किया ये पीडीएफ आई गिव यू डोंट वरी आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ आ जाएगा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है पीडब्ल्यू यूजीसी ने उसको ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा ठीक है चलो फॉलोइंग वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई आर्या भट्ट अर्थ इज ए स्पीय उसके बाद अर्थ रोटेट सोनेट्स एक्सेस अर्थ रिवॉल्व अराउंड अर्थ की जो शेडो है पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे जब पड़ती है तो ग्रहण होता है सो so स्पेस से कौन सी चीज है जो आर्यभ्ट ने हमें नहीं बोली है ओके साका क्वेश्चन आया था ओके okay.

चलो एंड द करेक्ट आंसर अर्थ रिवॉल्व अराउंड बहुत ही कम लोगों ने इसका जवाब दिया है लेट्स सी कितने लोगों ने जवाब दिया हंड्रेड परसेंट वेरी गुड चलो अब आर्यभट्ट ने स्पेशली क्या बोला और क्या नहीं बोला है सबसे पहले देखो जनरली हम सबको है कि आज हमारे पास एक सूर्य है ठीक है और आज हमारे पास स्पेशली एक पृथ्वी है और हमें ये पता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अक्रॉस अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ठीक है यह भी पता है

दिया कि देखो भाई जब इक्लिप्स होता है तो इस जगह पे शेडो पड़ता है यहाँ पे लाइट आती है ये जगह अंधकार पे रहता है तो ये सारे डिटेल रेफरेंस उन्होंने दिया उन्होंने हमें ये भी बोला कि देखो जो पृथ्वी है ना पृथ्वी का ये एक्सिस है और पृथ्वी अपने इस एक्सिस पे हमेशा रोटेट करती है उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन जिन लोगों को बहुत पसंद है ट्रिग्नोमेट्री और उन्होंने आपको ये भी बताया एक साल आज हम कहते हैं नाई थ्री सिक्सटी फाइव डेज थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव एट सिक्स एट जीरो फाइव डेज एक साल में होते हैं इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन हमें इन्होंने बताया तो ये ना बहुत ही रिपीटेड सा क्वेश्चन है मोस्ट एग्जामिनेशन में ये आता है कौन से पेलोलिथिक साइट है जिसने हमें एविडेंस दिया है ऑफ अ सेट ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स जिसके साथ अशुलियन के पत्थर मिले अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये साइट भी आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया इन द एग्जामिनेशन आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लो आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स ना ये साइट पे हमें बैक टू बैक क्वेश्चन आया तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे

ज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन तमिलनाडु ये साइट की डिस्कवरी जो कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हुई थी 1863 में

वाटर बफेलो या नीलगाय के हो सकते हैं तो इस साइट के बारे में ये कुछ तीन चार और एक्स्ट्रा चीजें कहीं भी इसके बारे में क्वेश्चन आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा तो अगर आपने ये याद कर लिया तो कभी भी ये साइट आएगा हमारा ये सेट है ठीक है चलो मैच द फॉलोइंग अवंती गंधार चेदी अनवजी सो so, कौन सा मालवा रीजन में है मध्य भारत में है कौन सा आधुनिक पेशावर में है कौन सा मध्य भारत के बुंदेलखंड रीजन में है कौन सा गंगा का उत्तर नेपाल की पहाड़ियों वाले रीजन में सो विच इज द करेक्ट आंसर यस वेरी गुड मॉर्निंग सो एवरी वन हाउ आर यू डूइंग जो लोग लेट आए हैं क्या चल रहा है कैसा चल रहा है सो रेडी टू सेलिब्रेट द ईयर रेडी टू अनवाइंड अपार्ट फ्रॉम वेटिंग फॉर आर आंसर प्लीज और क्या चल रहा है वॉट आर यू डूइंग दीज डेज अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग आर क्वेश्चन चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर देखो ये महाजनपद से एक क्वेश्चन हमें हमेशा आता है या तो मैंने आपको बोला इस तरीके का मैच आएगा या इनकी इकोनोमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा या सोसाइटी रिलेटेड आ जाएगा ठीक है सो करेक्ट आंसर हियर इज एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ योर राइट ठीक है करेक्ट आंसर हियर इज ए अवंती हो गया मालवा रीजन गंधार हो गया पेशावर रीजन चेदी हो गया ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड वज्जी हो गया नॉर्थ ऑफ गंगा अप टू नेपाल हिल्स आप जब आप तैयारी करोगे तो ये साइट्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा फॉर एग्जामिनेशन ठीक है चलो नेक्स्ट ये जो तरीका था मोरियन पीरियड में जहां पे पिलर में हम कुछ चीजें लिख रहे हैं ये हमने किससे लिया है आकेमेडी से शाखा से ग्रीक से या पार्थेनियन से थर्टी क्वेश्चन है तो थोड़ा जोश को आगे बढ़ाएंगे चलो सो so, ये हमने कहा तो बहुत इजी है तो आपको मतलब अब सपने में भी आ जाना चाहिए जिस तरीके से मॉडर्न एडिक्स पे बैक टू बैक मॉडर्न आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक चार एग्जाम्स में बैक टू बैक इस टॉपिक से क्वेश्चन आए पहली बार एनटीए ने एक ही पैटर्न को चार बार कंटिन्यूसली फॉलो किया है एंड दी करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आर्किमिडिस एंड इनमें सिमिलैरिटी क्या थी ये जो आर्क्यूमिडन पिलर है और जो मॉडर्न पिलर है सबसे पहले ये जो शब्द है दीपी और लिपी ये शब्द हमें दोनों में देखने को मिले day. प्लस लिखने का तरीका लिखने का तरीका क्या है ये थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन पे जाते थे एंड कहीं ना कहीं यही लिखने का तरीका हम लोग को ये दोनों तरीके दोनों पिलर्स में मिलाए बट डिफरेंस क्या है डिफरेंस स्पेशली है जो पर्सिपुलस बेल हो गया हमारा इसमें इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है मोस्टली आप देखोगे ना जो पर्शियन पिलर्स हैं उनके बेस में मोस्टली पर्सिपुलस बेल होता है बट मॉरियन पिलर का एज सच कोई इतना बड़ा हैवी बेस नहीं है मोस्टली हमारा बेल जो होता है ये शाफ्ट के ऊपर होता है

ट एक थर्टीन पे क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन था रॉकेट एक थर्टीन पे पिछले बार देन रॉकेट एक थर्टीन पे कि किसका नाम लिखा है क्रोनोलॉजी क्या है दिस टाइम वट वॉज द क्वेश्चन ठीक है सो ब्रजपति चलो जल्दी थर्टी क्वेश्चन है हमारे पास ये तो इजी क्वेश्चन है विच इज करेक्ट चलो बिल्कुल सही है प्रियंका ने सबसे पहले जवाब दिया है करेक्ट आंसर हियर इज ए ये वो ऑफिसर थे जो बेसिकली जिनके नेतृत्व में स्पेशली अधिकारी जो हैं ये युद्ध समूहों के प्रमुख थे और इनके नेतृत्व में ये बैटल को बेसिकली जो लोग थे होर्ड्स थे इनको लेके जाते थे अब आपको राजा का भी पावर पोजिशन आ जाएगा आपको आया था ना राजा के बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अभी वेस्ट बंगाल सेट में आया था पुरोहित उसका आंसर था चलो नेक्स्ट गिवन बिलो आर एंड रीजनिंग स्टेटमेंट ये हमें बहुत बार प्रैक्टिस करना है जून से पहले ताकि ये वाला एरिया गलत ना हो द एरिया ऑफ गुप्ता को हम क्लासिकल एज कहते थे ठीक है वाइल अप्रिशिएटिंग द आर्टिस्टिक आइडल पीरियड इट इज आर्ग्यूड दैट ये जो टाइम है इट मार्क्स सेवरल इपोच दैट सॉ इम्प्रेसिव डेवलपमेंट इन आर्टिस्टिक एक्टिविटी सो जब हम असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं एवरी वन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है करेक्ट आंसर सो फोर्थ जून आई बी गिविंग यू लॉट ऑफ असोशन रीजनिंग स्टेटमेंट एक मैं सिंपल क्लास लूंगी जहां पे आई एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व असोशन रीजनिंग कुछ ट्रिक्स है जो आप हमेशा कोई भी एग्जाम के लिए अपने दिमाग में रख सकते हो ठीक है चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर योर ओके सो मोस्ट ऑफ राइट देखो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है दोनों सही है सबसे पहले असन क्या कह रहा है कि भाई गुप्ता पीरियड जो था ना उसको हम क्लासिकल एज कहते थे ठीक है क्योंकि बहुत सारे सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ बिल्कुल सही है रीजन रीजन क्या बोला है ये आपको कह रहे हैं कि भाई गुप्ता पीरियड में आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में डेवलपमेंट हुआ अब आप मुझे बताओ क्या हम सिर्फ गुप्ता को कल्चरल पीरियड सांस्कृतिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्किटेक्चर वहां पर बड़ा आर्किटेक्चर तो यार हर पीरियड में शुरू हो रहा था हर पीरियड अच्छा मौर्य में भी था पोस्ट मौर्य में भी था गुप्ता भी था पोस्ट गुप्ता भी था है ना सो so, और क्या ये जो हमने बोला कि गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि सिर्फ आर्टिस्टिक एक्टिविटी हो रहा था नहीं ये तो एक रीजन है ना और भी बहुत सारे रीजन है लिटरेचर में डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में डेवलपमेंट्स हो रहा है हर कुछ को मिला के हम इसको कहते हैं वो भी डिबेट है कुछ हिस्टोरियन कहते हैं ये भी नहीं है क्योंकि गुप्ता पीरियड की डार्क एज कुछ बेसिकली uh, भी है सो so, ये दोनों सही है बट ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि बस ये एक ही पॉइंट को बार बार बता रहा है सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नेक्स्ट कौन सी हमारी फर्स्ट सरवाइविंग इंडियन टेक्स्ट है जो हमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताती है चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत खंड खाद्यक और बेसिकली ब्रह्मपुत्र सिद्धांत यह भी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है इन दी पेपर सो विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट चलो लेट अस सी So we have इसको जल्दी से थोड़ा explanation ले लो जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ये किताब ना आपको हर कुछ बताती कैसे हमारे पास अभी फॉर example सैटेलाइट है telescope है ये किताब उस समय जो भी ऐसे instruments थे उसके बारे में डिटेल जिक्र करती है टोटल ये किताब आपको nine ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताती ये नाम याद रखना टोटल नाइन ऐसे औजारों के बारे में बताती कैसे एक चक्र धानुष तुरयोगला यश्ती घटिका कपाला करतारी एंड पिथा ये मोस्टली आप ये पार्ट छोड़ सकते हो ये बस डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरीके थे जैसे फॉर एग्जाम्पल कपाला हॉरिजोंटल था सर्कुलर प्लेट में फिर करतारी जो था ये दो सेमी सर्कुलर प्लेट जब एक साथ ज्वाइंट होते थे इस तरीके का कोई औजार था ठीक है धानु से एक सेमी सर्कुलर प्लेट टाइप का औजार था तो ये ऐसे नाइन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में पूरा डिटेल रेफरेंस है कि ये कैसे दिखते थे ये सारी चीजों के इनका क्या काम था ये हर कुछ यहाँ पे स्पेशली मैंशनड है ठीक है नंबर इरफान हबीब बीबी लाल वी हैव आरएच मिडो एंड मार्सिया सो बेसिकली कौन सी हमारी आर्टिकल्स अर्लीस्ट प्लाउ फील्ड इमेजिनिंग रिवर सरस्वती रीजनल इंटरक्शन डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इन दस वैलीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ओके इज़ द करेक्ट आंसर यार अच्छा अब जब हम 2024 की तैयारी करेंगे, तो करेंगे प्रॉपरली तो आपको क्या करना है मेरे साथ एक नोट रेडी करना है जो हम छह महीने तक उसमें बुक लिस्ट कंपाइल करते रहेंगे ताकि जब आप पढ़ो लास्ट मोमेंट में आपके पास कम से कम सौ दो सौ तीन सौ बुक लिस्ट एड हो गई होगी हम वो गलती नहीं करेंगे जो हम पहले करते थे कि लास्ट मोमेंट वेट करेंगे स्टार्टिंग से सिक्स मंथ आपको फॉलो करना है तो अब भी आप आराम से दस पंद्रह दिन इंजॉय कर लो एंड उसके बाद यू हैव टू कम बैक टू द सेशन क्योंकि फिर हम

स्टाइल ये बेस था नागरा टेंपल का जो कि स्क्वायर था ड्राविडा स्टाइल इसका इंपॉर्टेंट फीचर था एक पिरामिड शिखर कश्मीरी स्टाइल ये लोकल स्टाइल था और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है और वैसारा स्टाइल जो नादन सादन स्टाइल का हाइब्रिड है अब इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो गलत है अब ये देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जनरली क्योंकि कोड नहीं है तो एक ही है जो गलत है वो कौन सा हो सकता है कौन सा हो सकता है विच मेक्स नो सेंस बिल्कुल सही यह वानी सागरिका एब्सोल्युटली करेक्ट देखो अगर आपको ये सब नहीं बीता आप ये सोचो कि जब हम कश्मीरी स्टाइल की बात करें क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टाइल पे बेस्ड होगा कश्मीरी of of में आपको और भी रेफरेंस मिलेंगे जो लोकल स्टाइल के अलावा भी आपको मिलेगा तो पहली बात तो सी यहाँ पे गलत हो गया आंसर हमारा सी है बट वह सारा स्टाइल देखो नदन सादर्न स्टाइल नागरा स्टाइल स्क् एक बार आपको एक सेट एग्जामिनेशन में यह आया था कि इसका ना प्लेटफॉर्म स्क्वायर है कि सर्कल है एंड द्राविडा स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है इनका पिरािडल शिखर स्टाइल का इट इज लाइक दिस है ना सर्क्यूल तो ये लोकल स्टाइल ही तो ये जनरली पढ़ के अगर हम थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं लोकेशन देखते हैं तो हमें पता मेरे साथ टेम्पल आर्किटेक्चर हम और डिटेल में करेंगे बहुत सारे टेम्पल्स का हम केस स्टडी करेंगे मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग यूट्यूब सेशन लाने वाली हूँ बहुत जल्दी जल्दी ठीक है चलो पैसरा भी का, नागपुर मध्य प्रदेश हरियाणा बिहार कर्नाटका ये रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया है अब इसमें आपको लोकेशन मैच द फॉलोइंग करना है प्री हिस्टोरिक साइट्स है एक भी अगर आपको आता है तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो एलिमिनेशन करेंगे बट बाकी साइट्स को लर्न भी कर लेंगे क्योंकि हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है सो विच इज द करेक्ट दी वन ये तो एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा है ना चलो कौन बताएगा जोश वेरी गुड सागरिका वाणी प्रियंका बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इज और देखो अगर आपको ये पता है कि पेसराइज बिहार सो so ए थ्री देखो कहीं भी नहीं है है ना तो सिर्फ यहाँ पे तो एक के बेसिस पे हमने ये एब्सोल्युटली कर लिया जनरली इसमें साइड्स भी इजी है भीम बेद का एमपी यू ऑल नो हूम सी आपको कर्नाटक ऑलरेडी पता है एक ये हो सकता था कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए बट इन केस अगर आपको अनंगपुर नहीं भी आता था तो भी आप कर सकते थे प्रीवियस में एलिमिनेशन हमेशा करते रहना है ताकि हमारा जब तक जून में हम एग्जाम दे हमारा एलिमिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए क्योंकि देखो सिलेबस अपडेशन होने वाला है थोड़ा सा हमें अपना गेम अब ऊपर करना पड़ेगा ठीक है कि हमने एलिमिनेशन को स्ट्रांग किया हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आ गए हम उनको टैकल कर पा रहे और याद

सो so, मगध हमारे सोलह महाजनपद हुए सोलह महाजनपद के बाद मगध इज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फिर मगध के बाद जनरली अगर हम बेसिक एंशंट इंडिया क्रोनोलॉजी से चले तो हमें पता है कि भाई इसके बाद हम जनरली एलेक्सेंडर पढ़ते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम मौरियन पीरियड की बात करते हैं मौर्यन के बाद हम पोस्ट मौरियन में जाते हैं जहां पे हम कुशांत सतवानाज इन डोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं अब इसको फिट करके देखते हैं सबसे पहले वॉट इज गोइंग टू बी आंसर मोस्ट ऑफ योर राइट जिन्होंने लर्न भी कर लिया ये सब आंसर्स पे थोड़ा ध्यान लगाना है सबसे पहले अजात शत्रु वॉर विद लिच्छवीज मतलब ये हमारा मगध वाला एरिया होगा तो मगध एनी डे सबसे पहले रहेगा तो डी सबसे पहले कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि भाई तीनों जगह ही डी है चलो फिर फिर अलेक्जेंडर आ गए तो भाई अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई ऑब्वियसली एक बार लड़ाई होगी उसके बाद ही तो मृत्यु होगी सो डीई ए डीई ए, दी -ए, -ए सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में मतलब ये ये कैंसिल हो गया बट अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे तो अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई चलो ठीक है फिर क्या आएगा अलेक्जेंडर के बाद तो मतलब अशोका बन गए राजा तो हेंस आ गया गया सी फिर ना बना हो गया, मतलब ये मौर्य चला गया तो मौर्य फिर पोस्ट मौर्य तो इसके लिए हमें एग्जैक्ट डेट्स की जरूरत नहीं है बेसिक एंशंट इंडियन क्रोनोलॉजी हमें पता है तो ये आंसर हम आराम से कर सकते हैं चलो नेक्स्ट असोशन एंड रीजनिंग

नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस इयस हमें यही करना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओ छह महीना अपने पास बहुत टाइम है ठीक है रटना नहीं है थोड़ा लॉजिक यूज करना है सो दैट बाई द टाइम वी क्लियर द एग्जाम वी गो वी हैव दिस हाई लेवल ऑफ एलिमिनेशन क्या था क्वेश्चन डू यू रिमेंबर द्वेश्चन जनरली क्रोनोलॉजी था या इर पूछा गया था सो विच इज द करेक्ट आंसर एवरी वन The correct answer here is a assertion कह रहा है कि भाई देखो fifth pillar एडिक्ट एक list of animals देता है जो नहीं मारने चाहिए क्यों नहीं मारने चाहिए क्योंकि अशोका कह रहे हैं कि भाई जो को हम खा नहीं सकते जो useful नहीं जिंदा रहे है, है ना सो ए इज एंड आर दोनों सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है ना कि क्यों नहीं मारना चाहिए क्यों फिफ्थ पिलर एडिक्ट में इन्होंने ऐसा लिखा है बिकॉज दोज हुआ नॉट यूजफुल और नॉल एडिबल उनको नहीं मारना चाहिए तो ये एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट राजाओं को मेंशन करते हैं क्योंकि, है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अशोक ने एक बुद्धिस्ट भिक्षु बन गए रॉक एडिक्ट का क्या सिग्निफिकेंस एन यो से अभी भी आया था क्रोनोलॉजी थी चलो सो आई होप दैट क्रोनोलॉजी वेंट राइट फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने एग्जाम दिया है. आई होप किसी ने गलती नहीं की है सही थी ना आंसर यू ऑल गिवन द राइट आंसर चलो सो द करेक्ट आंसर इज सी रॉक इजीट मल्टीपल टाइम्स इट्स लाइक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द पेपर कैसे तो ये देखो भाई ऐसे सबसे पहले ये आपसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एक तो भाई ये कहां के राजा हो गए दूसरा इनको बोलेंगे क्रोनोलॉजी सेट करो जो अगेन प्रीवियस ईयर में आ चुका है सो व्हाई इज दिस रॉक एडिक्ट इम्पोर्टेंट ये आपको कहते हैं कि देखो हम लोग क्योंकि धम्मा फॉलो कर चुके हैं तो हम ना लड़ेंगे नहीं खून खराबा नहीं करेंगे बट ऐसा नहीं कि हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम अभी भी एक्सपेंशन करेंगे बट धम्म विजया मतलब जो राजा होंगे ना वो धम्मा को समझ के वो खुद आपके अधीन बन जाएंगे ये कहते देखो मैंने ऐसे ही धम्मा विजया प्राप्त किया किस पे सोयावनास इंडो ग्रीक्स कंबोजास नाभकास नाभपंतीस भोजा पितनिकास मतलब सतवानास पुलिंदास चोलास तो आपको कभी कभी आता है ना चोला पांड्या इंडिया किस रॉक डिक में, में तो उसके बाद ये कहते हैं कि देखो भाई मेरा जो धम्मा विजय है ना वो इंडिया के अंदर तो हुआ ही इंडिया के बाहर सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी हुआ

अब इसमें चलो आपको ये नहीं पता है अर्ली उपनिषद आपको नहीं पता है जनरली मैंने आपको हमेशा बोला है यहाँ पे अर्लीस्ट टेम्पल्स लिखा है ये भी नहीं लिखा है प्रॉपर नागरा स्टाइल अर्लीस्ट मतलब प्रारंभिक मंदिर है प्रारंभिक मंदिर कब आए तो हम सबको पता है जब हम मॉरियन पीरियड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मॉरियन पीरियड आर्किटेक्चर में मोस्टली में क्या दिखता है पिलर्स है ना स्कल्पचर्स जो कि मोस्टली थोड़े से हैं ठीक है हमने रॉकेटिक्स पढ़ लिया ये सब हमें मौरियन पिलर्स में मिल रहा है फिर पोस्ट मौर्या गए तो पोस्ट मौरियन टाइम पीरियड के आर्किटेक्चर में हमें क्या देखा मोस्टली ये जो स्कल्पचर्स है इनका पीक पीरियड था ना मतलब गंधारा मथुरा अमरावती का पीक पीरियड था स्कल्पचरिंग का ठीक है और यहाँ पे जो स्तूपाज हमें मिले उस स्तूपाज का एक्सपेंशन थोड़ा डेकोरेशन ये सारी चीज़ें हुई जब हम पोस्ट मौर्य से गुप्ता पीरियड में जाते हैं दिस इज दिस टाइम जब प्रारंभिक मंदिरें बनना शुरू होती है, है ना पांच स्टेज में हम टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ये पांच स्टेज ऑफ मंदिर जैसे पहले ऐसे था फिर आप देखोगे थोड़ा शिखर आना शुरू हुआ फिर यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था फिर अगले स्टेज में प्लेटफॉर्म आना शुरू हुआ है ना तो ये पांच स्टेज में मंदिरें बनती जो फिर प्रॉपर नागरा ड्राविडा स्टाइल में जाती मतलब ये तो पक्का गुप्ता पीरियड होगा

करने मोस्ट एंशियंट इंडियन क्रोनोलॉजी को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट हस्तुर्वेद जो स्पेशली डिस्क्राइब करता है मेजर डिजीजेस हाथियों के ये किसने लिखा था वी हैव वाघ वी हैव पलक्य देन वी हैव कश्यप और सुश्रुत सो so, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप स्पेशली गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं और जब आप वहां पे एडवांसमेंट पढ़ते हो साहित्य में लिटरेचर में पेंटिंग में पोयम में ड्रामा में तो वहां पे स्पेशली आपको ये ये मिलता है है ठीक सो इज इज द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर हियर हियर सी आपको क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि देखो गुप्ता पीरियड में ना स्पेशली जहां पे मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहे हम सर्जरी की बात कर रहे हैं राइनोप्लास्टी की बात कर रहे हैं वेटनरी साइंस में भी उतना ही डेवलपमेंट हुआ था ये क्वेश्चन उस सेंस में ठीक है तो मोस्टली फोर्टीन

रहा है देखो बेसिक साइंस के साथ-साथ बेसिक मेडिकल साइंस के साथ-साथ वेटरनरी साइंस भी आगे बढ़ रहा था ये आपको बताती है 160 चैप्टर की ये किताब है कि भाई हाथियों को क्या दिक्कत है कैसे ट्रीटमेंट होगा कैसे सर्जरी होगा क्या मेडिकेशन होगा हर चीज को डिटेल रेफरेंस में बताती है ठीक है चलो नेक्स्ट ये सिंपल हमारा वन लाइनर साइडवेज क्वेश्चन है सो so, नफ पार्शन स्थल दाऊजली हेडिंग जो है ये कहां पे है बेसिकली so उत्तरी कचार पहाड़ियां मिशमी हिल्स अबोर हिल्सो हिल्स सो हिल्स. so ये बेसिकली हमारा लोकेशन बेस्ड है और ये तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं या तो वन लाइनर आ जाएगा या मैच दे देंगे सो एनी वेज विच इज द करेक्ट आंसर ह्योर वेरी इजी तो चलो करेक्ट आंसर ह्योर इज ए तो ऐसे वन लाइनर ये जैसे फैक्टुअल अब इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना आपको कुछ समझना नहीं है बस आपको इनके लोकेशन पता होने चाहिए ठीक है चलो नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी Which of the following statements are correct? अब देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक तो क्रोनोलॉजी हो गया दूसरा वो आपको ईयर देते बट मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ ईयर नहीं है जो आपको लगेगा यार ये थोड़ा मुश्किल है दिस इज अगेन ईजी एक्सेशन ऑफ कनिष्का एलेक्सेंडर का इन्वेजन फाइव ट्वेंटी सेवन सी अर्लियस्ट शिला एविडेंस की सतवाना लैंड ग्रांट्स देते थे हंड्रेड टू हंड्रेड सी एंड ऑफ मॉडर्न रूल वन एटी फाइव बी सी और पैरी ट्रांसप्लांटेशन मगध में फोर हंड्रेड एडी मान लो हमें ये और ये नहीं आता है क्या हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं आर्किटेक्चर प्रॉब्लम होती है हो क्या करेंगे इस बार हम बहुत सारे टेम्पल्स पे केस स्टडीज करेंगे ठीक है जहां पे हम एक एक टेम्पल को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बेसिक्स आपको पता है आई डू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड ठीक है things, up, अब देखो अब यहाँ पे आधे लोगों को डर लगेगा कि यार डेट्स तो पड़े ही नहीं ये पता है बट डेट नहीं पता है बट हमें फ्रैंकली वो पता होने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये पता है कि मगध रीजन में जो पैरी ट्रांसप्लांटेशन है ये सिक्स सेंचुरी के बारे में हम जब सिक्स सेंचुरी पीरियड पढ़ते हैं महाजनपद का तो ये फोर हंड्रेड एटी नहीं होगा ये सिक्स सेंचुरी टाइम पीरियड है तो जहां जहां पर ये कैंसिल कर दो बट इससे कुछ हुआ नहीं दो अभी भी बच रहे सबसे ईजी कनिष्का का एनसेशन फिफ्टी नहीं होगा सेवेंटी होगा ये तो बच्चे बच्चे को पता है ऐसा कुछ नहीं था जो आपको लगा कि यार ये डिफिकल्ट है नहीं सो so, हम ए कैंसिल कर देंगे ए कैंसिल कर दो आप हर जगह बी हमारा राइट right आंसर हो गया इवन इफ हमें का लैंड ये पता था बट डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है या ये ये पता पता था but exactly ये नहीं पता था बट एग्जैक्टली नहीं सो आर मेनी हम अभी करेंगे ना प्रीवियस इंस आप देखना जहां पे आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन निकल जाएंगे बट थोड़ा हमें क्या करना है आप पढ़ते वक्त बेसिक इवेंट्स के थोड़े ईयर्स याद करने पहले तो मॉडर्न में आते थे बट अब एंशंट में भी कुछ कुछ के विच आई विल टेल यू जो इंपॉर्टेंट है उसी को करना है सारा नहीं करना है वरना हम करते ही रह जाएंगे इट्स नॉट रिक्वायर्ड अब देखो फिर से अशोका का रेन चंद्रगुप्त मौर्य का एसेशन एलेक्जेंडर का आक्रमण मौर्यन एम्पायर कब खत्म हुआ एंड मगध के रूलर्स ने कब पावर लिया अब आप नोटिस कर रहे हो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक आगे पीछे साल के हैं तो तीन क्वेश्चन आपको बैक टू बैक क्रोनोलॉजी दे रहे हैं मगध मौर्य पोस्ट मौर्य पे ठीक है सो यू विल सी दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक क्योंकि पिछले तीन साल से थ्री इयर्स बैक टू तो बैक ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार ही आ रहे हैं अगेन हम सिंपल अपने बेसिक फंडे पे चलेंगे कि भाई सोलह महाजनपद सोलह महाजनपद में मगध बिकम्स द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फिर हम अपने सिंपली में जाएंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन फिर हम आएंगे भाई मॉरियन पीरियड अब देखते हैं क्या इससे सेटअप होगा हमारा स्पेशली आंसर वॉट इज द आंसर एवरी चलो द लास्ट टेन क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. सबसे पहले. पहले हमें चाहिए मगध. मगध 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 तो मगद में क्या है? ये है भाई कि के रूलर ने पावर एक्सपैंड किया अब इसका कोई टाइम नहीं है क्या रे यार कब किया? We don't know, we just know किया. कि मगध के ने चलो डन ई पहले होगा ई कहीं भी पहले तो ये कैंसिल हो गया बाकी दो जगह तो नहीं कटेगा ठीक है देन मगध के रूलर्स ने पावर एक्सपैंड किया फिर फिर आ जाएंगे अलेक्जेंडर तो फिर आते हैं भाई अलेक्जेंडर तो मतलब ई के बाद सी ई के बाद सी

So, जब अभी आप एग्जामिनेशन दे चुके हो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं ये बेसिक फंडामेंटल्स को हमें रेडी रखना है तो देखो तीन क्वेश्चन आपने सीधे सीधे सॉल्व कर लिया बाय नोइंग बेसिक हिस्ट्री इवन तो आपको ईयर नहीं पता था ठीक है चलो नंबर ट्वेंटी टू ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन अगर आप पीएचडी दे रहे हैं अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हैं अगर आप नेट दे रहे हो अगर आप यूपीएससी दे रहे हो ये जो सेक्शन है लेट वेदिक पीरियड का ये हर समय आता है ठीक है so सो करम्ब जो कि स्पेशली डिश है वेदिक पीरियड की ये किस चीज से बनी है ग्रेन अन्न बार्ली ये सारी चीजों से करम अपूपादान ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अगर आपको अभी तक ये सेट में नहीं मिला है तो आगे आने वाले जो सेट है ना उसमें कहीं ना कहीं किसी एक में तो ये डेफिनेटली रहेगा क्योंकि इट्स लाइक द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पेपर सेटर्स तो विच ऑफ दर इज करेक्ट एवरी हम्म ठीक है बिल्कुल सही है सारी चीजों से बनाइए बट अक्सर क्या होता है ना कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये याद रखना ओ दाना बना था स्पेशली दूध दही पानी बीन इसमें मीट मिक्स करके करम्बा स्पेशली बना था बार्ली ग्रेन और सेसमे सीड से अपूपा ये बना था घी चावल और बादली पहले आप इसको छोड़ सकते थे बट ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पे तो अब आप इसको स्किप नहीं कर सकते आपको एक्चुअली ये याद रखना पड़ेगा तो खाना खजाना आप देखते हो बहुत मन बहुत मन से आप रील्स भी देखते हो जहां पे आप खाना खजाना देख रहे हो लोगों को खाना बनाते हुए देख रहे हो तो उसी चक्कर में इसको भी याद करके रखना क्योंकि ये हम नहीं छोड़ सकते हैं अब ठीक है चलिए नेक्स्ट पेंटेड पॉट इन हरपन सिविलाइजेशन जो हमें एविडेंस देता है ऑफ अ ट्री होल्डिंग एनिमल जो हमें क्लेवर फॉक्स की स्टोरी बताता है ये कहा मिला है यह हमें मिला है ढोलावीरा में राखी गढ़ी में यह हमें मिला है देसवाल में या लोथल में सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड सो यहां पर हमें कहा मिला है

अब ये देखते हैं अहिंसा एंड भक्ति ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन थे भागवत ट्रेडिशन के ठीक है महाभारत इस्टैब्लिश करता है कृष्णा एंड विष्णु इन टर्म्स ऑफ द डिविनिटी ठीक है देन धर्म में थेरवाड़ बुद्धिज्म जो है ये स्पेशली बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानता है ठीक है धम्मपद पद इस्टैब्लिश करता है कि भिक्षु जो है इनको अपना जो जीवन है बुद्धिस्ट में इसको कैसे व्यतीत करना चाहिए और धर्म चक्र प्रवर्तन ये बुद्धा का मेजर उद्देश्य, मेजर उद्देश्य ऑब्जेक्टिव देखिए हमेशा इसमें एलिमिनेशन करिए हो सकता है कि इसका एक दो लाइन आपको आता है नहीं आता है मेजोरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या देखो सबसे पहले खेरवाड़ बुद्धिज्म जो है इट कंसिडर्स बुद्धा एज गॉड टू बी वर्षिप्ड

एक दो से आप इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते थे ठीक है नेक्स्ट अब देखो दूसरा ये क्वेश्चन इसमें भी हम एलिमिनेशन करेंगे सबसे पहले जैन संघ सबसे ओल्डेस्ट धार्मिक संघ है ठीक है सायदवाद ये सेंट्रल है की, है की ठीक कौतल्या का अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी से डील करता है जिससे आप वेल्थ जनरेट करते हो जिससे पैसा आ सकता है ठीक है स्टोरी ऑफ शिशुपाल इज फाउंड इन बेसिकली संभ पर्व ऑफ महाभारत एंड अलाम प्रभु जो है ये टीचर थे राम वर्मा के अब बताओ इसमें क्या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं अलामा राम के शिक्षक थे शिशुपाल की जो कहानी है ये स्पेशली हमें मिली है शिशुपाल की कथा महाभारत के संभर्व में यहाँ पे मिली है या अर्थशास्त्र आप देखो ये भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं एवरीवन देखो, इसका है। कैसे हमने एलिमिनेशन किया अब बताओ सबसे दूसरी क्वेश्चन हमने आज के सेशन में अर्थशास्त्र पे की जितना भी हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा है क्या ये अर्थशास्त्र यहाँ पे ओनली लिखा है क्या अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि भाई पैसा कैसे जनरेट होता है उसकी पॉलिसी नहीं जितना आपने बेसिक एक लाइन पे पी, मॉर्न पीरियड का पता है वी नो कि ये तो गलत है क्योंकि यहां पे ओनली लिखा हुआ है इसका मतलब है सी कटेगा तो जहां जहां पे सी हमने काट दिया दो ऑप्शन बच रहे हैं बी एंड सी अब देखो ये जो बेसिकली हमारे पास दूसरा ऑप्शन है शायदवाद शायदवाद इज अ अन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म ये भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता है है ना ना अनेकवाद 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 एंड आपको अभी आया था वेस्ट बंगाल सेट में मतलब क्या होता है? रियालिटी मल्टीपल हो सकती है मैं आपको बोलूँ की हंड्रेड यही एक सत्य है विच इज नॉट ट्रू आपके हिसाब से सत्य कुछ और हो सकती है मेरे हिसाब से कुछ और हो सकती है एक सत्य बहुत सारे कंडीशन पर डिपेंड करता है इट इज कंडीशनल शायदवाद मतलब होता है मे बी का कॉन्सेप्ट हम कहते हैं ना कि मैं आपको बोलूंगी चलो आज पार्टी में चलते हैं आप बोलोगे शायद देखता हूं मन नहीं हूँ फिफ्टी फिफ्टी ये जेनिज्म इफ वी नो दिस इज नॉट बुद्धिज्म बट ये है सो बी so हमारा कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली बी हमारा आंसर हो गया बाई एलिमिनेशन ठीक है तो थोड़ा सा ना हम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इवन तो आपको सब आता है हम एलिमिनेशन पे भी ध्यान देंगे क्योंकि हमें ना ये भी स्ट्रॉन्ग करना है विथ टाइम चलो नंबर ट्वेंटी सिक्स अच्छा ये तो हमने भी तुरंत कर लिया ठीक है सो दिस वी जस्ट डिड भक्ति हम अवितरण कर चुके हैं बुद्धिज्म ये भगवान गौ बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे और धम्मपात इट इज एथिकल है ना तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया सो so सही आंसर हो गया हमारा सी चलो नेक्स्ट कुशांवकुल्लास व स्टैचूज ऑफ रॉयल पर्सन ये हमें कहा मिला है ये हमें मिला है अचित्र में चंबा में मथ में और बेसिकली शाबसगढ़ी में सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू वी गेट दिस म लग ये तो बहुत ईजी है आई थिंक ये मल्टीपल टाइम्स आपको पेपर में आ भी चुका है इट्स लाइक द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एंड दी करेक्ट आंसर थ्री मोर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हम नेशनल मूवमेंट करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा as I said, हम वार्म अप करेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ट्वेंटी थर्टीन से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है अभी हम कुछ कुछ टाइम पीरियड तक द टाइम द आंसर इज आर नॉट कम वार्म अप्रिएटअ प्रीवियस आंसर इज आर आउट आई पुट वेरी अमेजिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू

राजा है जिनके सिक्कों में हमको भगवान श्री कृष्ण भी दिख रहे हैं और हमें भगवान बलराम भी दिख रहे है और ये इस तरीके का सिक्का का फ्रंट और बैकवर्ड पार्ट है सो विच इज दूटली राइट एंड हियर इज डी मोस्ट ऑफ यू आर राइट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ठीक है फाइव सिक्स सेवन ईयर्स बैक मूविंग टू द नेक्स्ट विच ऑफ दिथिक साइट इज नोन फॉर एशमाउंट उतनूर कुम So, कौन सी एक ऐसी साइट है विच इज नॉट नोन जहां पे हमें नहीं मिलता और अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि हमें अगर ये पता है हम की बात करते हैं वी नो कि भाई ये हमें मिलता है साउथ इंडिया में और यहाँ पे कौन सी एक जगह है, जो साउथ इंडिया में नहीं है विच इज बुर्जाउम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट स्पेशली न्योलिथिक साइट है जब हम बात करते हैं कश्मीर रीजन की एंड ये साइट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसिस क्या है दिस इज दी ओनली साइट जहां पे हमें डॉग्स दिखते हैं हु आ बरीड विदर मास्क उसके अलावा यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा स्लैब मिला है मोस्टली जब हम की बात करते हैं ना कश्मीर रीजन की तो यहाँ पे इन में हमें बहुत बड़े से स्लैब स्ट्रक्चर मिले हैं जहां पे सूरज बना हुआ है एट द सेम टाइम यू फाइंड आर डॉग्स सो कुछ ऐसे ना स्लैब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी दिखा सकते हैं प्लस इन एरिया में कश्मीर एरिया में जनरली जब हम न्यूलिथिक साइट की कॉमन फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे हमें ना ऐसे एक जार मिला है इस जार में एक्टली वो इमेज

वॉट आर मैगलेटिक्स आर स्टोन स्लैब स्ट्रक्चर्स मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ठीक है ये स्टोन स्लैब स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बरियल से रिलेटेड है

जो को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड हम आगे फिर से मिलेंगे एंड फॉर ऑल डोस पीपल वुड वांट टू ज्वाइन द कोर्स 8 जन को पहली क्लास है 29 तो ओरिएंटेशन है सो so भूलना मत फिलहाल हमारा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है हिस्ट्री प्लस पेपर वन एट 5,000 एंड प्लीज रिमेंबर स्टडी प्लान so sure मैंने आपको वहां पर अटैच कर दिया है तो स्टडी प्लान जरूर देख लेना ठीक है और जिस समय सिलेबस एडिशन होगा प्लान भी एडिट हो जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना सेशन सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन अगेन कुछ सारे मिक्स मैच क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग अर फाउंडेशन ताकि रेस्टिंग के चक्कर में हम पूरा हिस्ट्री हिस्ट्री भूल जाए क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होगी सो वील बी स्मार्ट इनफ कि एट द राइट टाइम वील स्टार्ट ठीक है चलो सनातन नाजर्श इब्न रशदी थैंक यू सो मच एंड एवरी वन सी टू नेक्स्ट सेशन वानी सोनाली वर्षा स्वाति ठीक है अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेशनल मूवमेंट रिवाइज करके आना नहीं भी आना क्लास में रिवाइज कर लेंगे सब कुछ क्लास में सीख लेंगे थैंक यू सो मच सी यू ऑल इन द